हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी। इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए उपराष्ट्रपति से संबंधित सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ। अगर एग्जामिनर उपराष्ट्रपति टॉपिक से कोई क्वेश्चंस पूछता है तो आपका इस वीडियो के बाहर कोई क्वेश्चंस नहीं जाएगा। MCQ करवाने से पहले मैं आप लोगों को उपराष्ट्रपति के बारे में थोड़ा बता देता हूँ, तो आप लोगों को सारी चीज़ बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, जैसा कि मैं आपको बता दूँ कि उपराष्ट्रपति का जो पद है वो संविधान के अनुच्छेद 63 में बताया गया है। कौन सा? अनुच्छेद 63 में बताया गया है उपराष्ट्रपति का पद। ठीक है, लेकिन अनुच्छेद 63 के अलावा एक अनुच्छेद है 64, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 64 कहता है कि उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करने मान्य है। यानी कि अनुच्छेद 64 के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। एक और अनुच्छेद याद कर लो, अनुच्छेद 70। देखो, तीन अनुच्छेद मैं आपको याद करवा रहा हूं, अनुच्छेद 63, 64 और 70। अनुच्छेद 70 में क्या है? अनुच्छेद 70 में है कि अगर राष्ट्रपति किसी कारणवश बाहर हैं या अपना पद जो है वो छोड़ते हैं या कोई मृत्यु उनकी हो जाती है किसी भी ऐसे रीजन की वजह से कि राष्ट्रपति का पद खाली है, तो राष्ट्रपति के पद पर उपराष्ट्रपति स्वतः ही विराजमान हो जाएंगे। तो ये अनुच्छेद 70 कहता है। और 6 माह के भीतर राष्ट्रपति का चुनाव करवाना अनिवार्य है। मैक्सिमम 6 माह तक ये बने रह सकते हैं उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति। समझ रहे? तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। देखो, अब मैं आपको बता दूं, मैंने आपको उपराष्ट्रपति पढ़ाया था। ठीक है, जैसे उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य और दिल्ली पांडिचेरी के निर्वाचित सदस्य। लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं केवल। सॉरी, निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेते, सभी, राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। उसमें निर्वाचित सदस्य भाग लेते थे, इसमें सभी सदस्य भाग लेते हैं लोकसभा और राज्यसभा के। समझ गए? और उपराष्ट्रपति शपथ किसके समक्ष लेता है? तो यह राष्ट्रपति के समक्ष अपनी शपथ लेता है और अपना त्याग पत्र भी ये राष्ट्रपति को ही देता है। और उपराष्ट्रपति अगर कोई व्यक्ति बनना चाहे तो इसको क्या कर, इसके 4 पॉइंट होते हैं। उपराष्ट्रपति अगर कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनना चाहे, पहला तो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो। अब हमने राष्ट्रपति में पढ़ा था कि लोकसभा में चुने जाने हेतु हो, लेकिन इसमें राज्यसभा में सदस्य चुने जाने हेतु हो। किसमें? राज्यसभा में। हमने राष्ट्रपति में पढ़ा था लोकसभा में, लेकिन उपराष्ट्रपति में पढ़ रहे हैं राज्यसभा में। तो ये थोड़ा सा कंपैरिजन करके अगर आप पढ़ेंगे तो सारी चीजें आपको पॉइंट वाइज पॉइंट क्लियर होती जाएंगी। समझ गए? और जो आपका उपराष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है, जो राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया है वही उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया है। बस राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया के लिए महाभियोग जो है वो कहाँ पर लाया जाता है? लोकसभा या राज्यसभा, किसी भी सदन में। लेकिन उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए जो महाभियोग है या जो भी हटाने की जो प्रक्रिया है वो पहले राज्यसभा में पेश की जाएगी और उससे 14 दिन पहले उपराष्ट्रपति को बताया जाएगा। तो ये उपराष्ट्रपति के समक्ष कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको पता होना चाहिए। समझ रहे? तो ये सारे पॉइंट मैंने आपको बता दिए। इसके बाद आपका कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जाती है? तो आपका सही आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। उपराष्ट्रपति होता है क्या? लोकसभा का सदस्य, राज्यसभा का सदस्य, किसी भी सदन का सदस्य होता है या सांसद यानी कि सदस्य नहीं होता है? तो दोस्तों, अगर हम बात करें उपराष्ट्रपति की, उपराष्ट्रपति जो है वो संसद का सदन नहीं सदस्य नहीं होता है, लेकिन वो राज्यसभा का सभापति होता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? तो राज्यसभा की जितनी भी बैठक होती हैं इनका जो सभापति है वो कौन होता है? राज्यसभा की बैठकों का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। और किस अनुच्छेद के तहत? मैंने आपको बता दिया, अनुच्छेद 64 के तहत। समझ रहे? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, उपराष्ट्रपति के चुनाव करने वाली निर्वाचक संस्था के सदस्य
कौन होते हैं जल्दी बताओ? लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य? बिल्कुल नहीं। संसद के दोनों सदनों के सदस्य? हो सकता। राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य? बिल्कुल नहीं। राज्यसभा के सदस्य? बिल्कुल नहीं। तो संसद के दोनों सदन के सभी सदस्य यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, यानी कि दूसरा ऑप्शन बच्चों आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? देखो अधिकतम आयु की अगर हम बात करें तो अधिकतम आयु के बारे में कोई सीमा नहीं है, लेकिन न्यूनतम आयु की बात करें तो न्यूनतम आयु है आपकी 35 वर्ष, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है जल्दी बताओ? प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से? तो जल्दी बताओ, उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है ये राष्ट्रपति के तहत राष्ट्रपति के जैसा ही होता है, यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, के उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन हेतु तो कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? जो पद्धति राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अपनाई जाती है वही पद्धति उपराष्ट्रपति के पद के चुनाव के लिए अपनाई जाती है। कौन सी? समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय पद्धति। चौथा ऑप्शन बच्चों आपका करेक्ट है। उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार के नामांकन निर्वाचन मंडल में कम से कम कितने सदस्यों द्वारा प्रस्तावित करना है? जैसे अगर आप लोगों को उपराष्ट्रपति के पद के लिए खड़े होना है तो निर्वाचक मंडल के लिए आपको 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक की आवश्यकता होती है। अगर आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो निर्वाचक मंडल के आपको 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक की जरूरत होती है। तो राष्ट्रपति में 50 और उपराष्ट्रपति में 20, यानी कि चौथा ऑप्शंस करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, नामांकन के समय उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितने रुपए जमा करने होते हैं? तो कितने? ये जो आपके जमा करने होते हैं ये करने होते हैं आपके 15,000 रुपये, और राष्ट्रपति के लिए भी 15,000 रुपये हैं। ये जो आपके 15,000 रुपये हैं वो RBI या सरकारी खजाने में जमा करने होते हैं। तो दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है। संविधान में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में क्या प्रावधान है? तो जल्दी बताओ, तो संविधान में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में क्या प्रावधान है? आपका सही आंसर है कुछ भी नहीं, यानी कि पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संबंधित विभाग कौन तय करता है? जैसे राष्ट्रपति का अगर निर्वाचन में कोई भी विवाद हो जाता है तो सारे विवाद कौन? सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट हैंडल करता है, और अगर उपराष्ट्रपति के संबंध में भी कोई विवाद हो जाता है तो ये भी सर्वोच्च न्यायालय ही करेगा। तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। उपराष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? शपथ जो है वो उपराष्ट्रपति किसके समक्ष लेता है? राष्ट्रपति के समक्ष लेता है, यानी कि पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र जो है ये किसको देता है? राष्ट्रपति को ही देता है। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के लिए रूप में अन्य भत्तों के अलावा कितना वेतन प्राप्त होता है? जल्दी बताओ कितना वेतन मिलता है? तो उपराष्ट्रपति का जो वेतन है वो हो गया आपका 4 लाख रुपए। कितना? 4 लाख रुपए। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व पद से हटाने का अधिकार किसको है? पद से हटाने का जो अधिकार है वो केवल और केवल किसको है? संसद को है। जी हाँ दोस्तों, और संसद में भी जो प्रक्रिया चलाई जाएगी, पहले राज्यसभा में पेश किया जाएगा और 14 दिन पहले उपराष्ट्रपति को बताया जाएगा। अगर उपराष्ट्रपति 14 दिन पहले 14 दिन के अंदर रिजाइन दे देते हैं तो इन पर फिर महाभियोग की प्रक्रिया नहीं लाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के, भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है? आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका लोकसभा की संबंधी से राज्यसभा। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन के, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यकाल संभालता है जबकि राष्ट्रपति क्या हो? अनुपस्थित हो, बीमार हो, अपना कार्य करने में सक्षम ना हो। तो इन सभी मामलों में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का क्या करता है? पद संभालता है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 70 के तहत। ध्यान रखना इस बात को, क्योंकि बहुत अच्छी तरीके से मैं आपको हर चीज क्लियर करता हुआ चल रहा हूँ। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यभार को संभालता है उसी दौरान राज्यसभा के सभापति के रूप में कौन कार्य करता है बताओ? सारे जितने भी आपके डाउटफुल क्वेश्चंस होंगे वो सारे कवर कर लिए जाएंगे। तो वो राज्यसभा के सभापति के रूप में फिर कौन कार्य संभालेगा? उपसभापति। अच्छा, इसके लिए भी कभी एग्जामिनर बहुत घुमा के क्वेश्चन पूछ लेता है। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्य संभालता है तो उपराष्ट्रपति को जो पेमेंट मिलेगी वो राष्ट्रपति वाली मिलेगी, 5 लाख रुपये पर मंथ। ठीक है, इसी तरीके से अगर उपसभापति सभापति के रूप में कार्य करता है तो उपसभापति को जो पेमेंट मिलेगी वो सभापति के रूप में मिलेगी, 4 लाख रुपए पर मंथ।
समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, राष्ट्रपति की मृत्यु पर जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद ग्रहण करता है तो अधिकतम 6 माह तक पद पर आसीन रहता है, जैसा कि मैंने आपको बताया है, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति क्या नहीं कर सकता? राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति क्या नहीं कर सकता? उपराष्ट्रपति राज्यसभा को विघटित नहीं कर सकता, यानी कि पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति अपने मतों का प्रयोग कब करता है? तो उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? जब मतों के बराबर होने की स्थिति में, यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। कौन राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं करते किंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं? जल्दी बताओ। संसद के मनोनीत सदस्य, तो आपका सही आंसर हो जाएगा संसद के मनोनीत सदस्य, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधा कृष्णन, पहला ऑप्शन करेक्ट है। किसने 2 पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है? पूर्ण यानी कि पूरी की है इनने, पूरी दोनों अवधि हैं, तो वे थे आपके डॉक्टर एस सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और लास्ट क्वेश्चंस के किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर आसीन रहते हुई है? तो उनका नाम है क्या? कृष्णकांत, यानी कि इस क्वेश्चंस का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो जितने भी आपके उपराष्ट्रपति से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे वो सारे मैं आपको लेकर के आकर पढ़ा दिए और उपराष्ट्रपति के बारे में पूरा समझा भी दिया। फिर भी कुछ भी डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आप लोग बार बार मेरे से पूछ रहे हैं तो यूपीएसआई की वैकेंसी जो है वो अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आने की संभावना है। इसके लिए कल मैंने वीडियो बना दिया था क्योंकि कई अखबारों में प्रकाशित हुई है ये न्यूज़, तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब मैं आपसे क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। वर्तमान में या वर्तमान समय में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है और कौन है और किस नंबर के हैं ये भी आप लोग मुझे बताएंगे। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोज़ आप लोग लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।